ये भैया घूम के आए हैं। भैया कहाँ से हो आप? दिल्ली से। कैसा मजा आया? बहुत बहुत अच्छा लगा ना। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप, अभी बैठ रहे हैं गाड़ी में, देख सकते हैं आप। तो अब यहाँ से निकलेंगे सीधे कटरा की ओर। भैया और भी घूम के आए हैं, भैया को तो ठंड, मुझे लगता है ठंड तो बहुत लगी होगी आपको भैया। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं लगी। आए हाय हाय, मजे करके आए। तो अभी ये बैठ रहे हैं, अभी बैठ रहे हैं, अभी हम यहाँ से निकलेंगे। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब भाई? उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं के साथ हम भी खैरियत से हैं। तो आज फिर से हम पत्नीटॉप में आए हैं। तो कल ग्रुप था, उन्हीं के कुछ रिलेटिव हैं, उन्होंने ही बुकिंग करवाई है ऑफिस में। तो ऑफिस वाले ने हमें आज फिर से पत्नीटॉप भेज दिया। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे बर्फ़बारी हो रही है, कल भी हो रही थी मगर आज बहुत हो रही है, क्योंकि पूरा रोड पे आपको दिखेगी बर्फ़ ही बर्फ़, इस पर गाड़ी चलने में स्लिप हो जाती है गाड़ी। हमने लाई गाड़ी पत्नीटॉप, जो मेन चौक है वहाँ तक लाई गाड़ी हमने, बहुत मुश्किल से लाई, हमने मोड़ के वहीं पे लगा दी। तो कस्टमर को हमने बोला आप घूम के आ जाओ, कस्टमर तो बोल रहा था हम नथाटॉप भी जाएंगे। मैंने बोला नथाटॉप तो गाड़ी नहीं जा रही है, नथाटॉप चढ़ ही नहीं रही है गाड़ी, बर्फ़ बहुत है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितनी बर्फ़ है यहाँ पर, ये देखिए चेक कर सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। तो अभी हम भी थोड़ा घूमने आए हैं, थोड़ा गाड़ी दूर है हमारी, गाड़ी से दूर आए हैं थोड़ा घूमने के लिए आए हैं। अभी जा रहे हैं अपनी गाड़ी के पास ही वापस। बाकी आप देख सकते हैं कैसे चल रही है गाड़ी। तो बर्फ में ना स्लिप गाड़ी है, बहुत ज़्यादा स्लिप करती हैं गाड़ी है। तो अब भी मुझे लगता है अगर पूरी रात को बर्फ़ पड़ती रही तो रास्ता तो बंद हो जाएगा, जो यहाँ से बटोत से होते हुए नाशरी रामबन श्रीनगर को जोड़ता है रास्ता, ये वाला ये तो बंद हो जाएगा। तो बाकी देखते हैं क्या रहेगा, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम फिर से पत्नीटॉप में आए हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे बर्फबारी हो रही है, रोड पे भी कितनी बर्फबारी है, बर्फ हुई है। तो ये देख सकते हैं आप कितने टूरिस्ट यहाँ पे घूम रहे हैं, बर्फ़ पड़ रही थी बहुत ख़तरनाक वाली, हमारी गाड़ी स्लिप भी कर रही थी क्योंकि लोड गाड़ी थी चढ़ाई। तो हम अभी मेन पत्नीटॉप में ही हैं, ये देख सकते हैं आप गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, स्लिप बहुत कर रही है गाड़ी। ये हरियाणा नंबर गाड़ी आ गई, तो आस्ता आस्ता ही उतार रहे हैं क्योंकि स्लिप बहुत है ना इसीलिए। ये देख सकते हैं आप रोड पर भी कितनी बर्फ़ है, सब टूरिस्ट घूम रहे हैं यहाँ पे, हमारे जो टूरिस्ट हैं वो भी घूम रहे हैं। देख सकते हैं अब यहाँ का मौसम, क्योंकि बर्फबारी हो रही है, अभी तो रुक चुकी है, अभी तो हो नहीं रही है, पहले हो रही थी बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही थी क्योंकि मौसम दो दिन ख़राब बताया है, तो इसी वजह से। ये देख सकते हैं आप यहाँ की लोकेशन है, ये अपनी गाड़ी रही। तो बाकी टूरिस्ट उतर के चला गए घूमने के लिए, वो तो बोल रहे थे नथाटॉप नथाटॉप, तो गाड़ी नहीं जाएगी, कैसे जाएंगे क्या करेंगे। तो अब देखते हैं, ये देख सकते हैं आप रोड पे भी कितनी बर्फ़ है। हमने अपनी गाड़ी मोड़ के यहीं लगा दी, अभी हम थोड़ा थोड़ा घूम रहे हैं। यहाँ पर बोर्ड लगा है, ये देख सकते हैं आप, देख सकते हैं आप। तो ये अपनी गाड़ी लगी हुई है यहाँ पे, सब टूरिस्ट घूम रहे हैं यहाँ पे भाई, बर्फ़ के एंजॉय कर रहे हैं। हम अब बैठ रहे हैं गाड़ी में, मिलते हैं आगे क्या रहेगा, कैसा सफ़र रहेगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे कितनी स्नोफॉल हो रखी है, पूरा सफ़ेद ही सफ़ेद दिखेगा आपको पूरा रास्ता वास्ता सब कुछ, ये
देख सकते हैं आप, यह पत्नीटॉप, पत्नीटॉप हिल स्टेशन। आ रहा है वहां से, ये हमारे आगे कितनी बर्फ है, यहाँ पे बहुत खतरनाक वाली बर्फ है भाई। ये देख खतरनाक वाली बर्फ है। टेम्पो ट्रैवलर 27 सीटर है, ये यूपी नंबर गाड़ी है ये। अब यूपी से पता नहीं कौन से डिस्ट्रिक्ट से है ये गाड़ी, तो अभी आस्ता आस्ता चढ़ रही है क्योंकि बर्फ बहुत ज़्यादा है ना, गाड़ी चढ़ नहीं पा रही हैं, स्लिप कर रही हैं गाड़ी है। तो बाकी आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कैसा है, पूरी बर्फ ही बर्फ दिखेगी आपको चारों तरफ से, जहाँ भी आप देखोगे वहाँ आपको बर्फ ही बर्फ दिखेगी। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी के पास वापस, ये देख सकते हैं आप, चल रहे हैं आस्ता आस्ता जा रहे हैं अपनी गाड़ी की ओर। ये देख सकते हैं आप रास्ते में कितनी बर्फ है, ये देख सकते हैं आप टूरिस्ट घूम रहे हैं। यहाँ पे जो फिसलन है बहुत ज्यादा हो गई है। अभी हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की ओर वापस, देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं रास्ते में कितनी बर्फ है, बहुत ज्यादा है। ये बर्फ को क्लियर करने वाली मशीनें यहाँ पे खड़ी हुई हैं, ये देख सकते हैं। तवेरा गाड़ी को घुमा रहे थे मगर ये भी स्लिप कर रही है क्योंकि बर्फ बहुत ज़्यादा है ना, इसी वजह से स्लिप कर रही हैं गाड़ियाँ। तो ये देख सकते हैं आप, हो ही नहीं रही है पीछे। भाई मुझे लगता है आगे से घुमाएंगे। जाने दे। अभी ना जाम बहुत ज़्यादा लग चुका है, ये देख सकते हैं आप गाड़ी निकल रही है आस्ता आस्ता। अब ये देख सकते हैं अब यहाँ पे कितनी बर्फ है, ये देख सकते हैं आप यहाँ का नज़ारा, कितने ज़्यादा टूरिस्ट आए हैं यहाँ पे घूम रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं गाड़ी घुमा रहे हैं भैया यहाँ पे। अभी हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की ओर, ये देख सकते हैं हम कितने सारे टूरिस्ट घूम रहे हैं यहाँ पे, मजे कर रहे हैं बर्फ के। तो अपनी गाड़ी वो लगी हुई है आगे, ये देख सकते हैं आप, घूम रहे हैं। देख सकते हैं अब यहाँ के नज़ारे, इतना मस्त मौसम है यहाँ का आज का, ये देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं कितने टूरिस्ट यहाँ पे घूम रहे हैं भाई, मजे कर रहे हैं बर्फ के। ये देख सकते हैं आप नीचे से आ भी रहे हैं, कुछ वापस जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। ये अपनी गाड़ी है,
चलते हैं आगे नेक्स्ट। देखते हैं कितने टूरिस्ट घूम रहे हैं यहाँ पे। तो ये तो पैदल चल के आ रहे हैं नीचे से ही, क्योंकि गाड़ियाँ तो नीचे ही लगी हैं, यहाँ से एक दो किलोमीटर पहले ही लग गई हैं गाड़ियाँ, क्योंकि हम तो ऊपर आ गए हैं, बाकी गाड़ियाँ जो मैक्सिमम उधर ही लगी हैं, क्योंकि गाड़ी चढ़ नहीं पा रही है, इस वजह से गाड़ियाँ ऊपर आ नहीं रही हैं। तो बाकी आप देख सकते हैं ये कितने टूरिस्ट हैं, वहाँ से पैदल आ रहे हैं, पैदल घूमते घूमते आ रहे हैं। ये छोटा बच्चा देखिए बर्फ में खेल नहीं रहा। तो बर्फ़ देखने के लिए, ज़्यादा बर्फ़ देखने के लिए आ रहे हैं नीचे से टूरिस्ट, पैदल चलते हैं, ये देख सकते हैं आप। तो मौसम ना बहुत ऐसे धुंधी धुंध हो गई है पूरी, ये देख सकते हैं आप। तो ठंड इतनी है ना ख़तरनाक वाली, मैं 10 मिनट बाहर घूमा गया तो मेरे पाँव ठंडे हो गए बिल्कुल, पूरी बर्फ सब बर्फ जम गए पैर बिल्कुल। तो ये देख सकते हैं आप फॉग कितना बढ़ रहा है, इसे धुंध कहते हैं। ये देख सकते हैं टूरिस्ट घूम के वापस भी जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं नीचे से, कुछ वापस जा रहे हैं। तो बाकी हम तो अभी इधर ही, हमारे टूरिस्ट आए ही नहीं अभी, जो हमने छोड़े थे वो अभी आए ही नहीं है। देखते हैं क्या रहेगा, तो मिलते हैं आगे। हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी के पास वापस, चाय पीने आए थे, चाय पी के आप अपनी गाड़ी के पास जा रहे हैं वापस। देख सकते हैं आप इतनी बर्फबारी हुई है यहाँ पे, फिसलन ना बहुत ज़्यादा हो गई है। देख सकते हैं टूरिस्ट घूम रहे हैं यहाँ पे, बहुत मज़ा है भाई। ये देख सकते हैं आप, क्या क्या लेट इतनी क्या रही है, तुम उसकी गलती निकाल दी बता बाप में वाली बात। देख सकते हैं आप कितने सारे टूरिस्ट घूमने आ रहे हैं यहाँ पे, बर्फ देखने आ रहे हैं, देख सकते हैं भाई कितने टूरिस्ट हैं यहाँ पे आज, बहुत ज़्यादा रश है। ये देख सकते हैं आप यहाँ से उतर रहे हैं, गाड़ी के छत पे चढ़े हैं, छत से वीडियो शूट कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप ने टूरिस्ट यहाँ पे घूमने आए हैं, बहुत सारे टूरिस्ट, बहुत रश है आज, क्योंकि बर्फ़ गिरी है, बर्फ़ देखने हर कोई आ रहा है, जो कटरा में आ रहा है माता वैष्णो वो यहाँ पे भी ज़रूर आ रहा है। ये देख सकते हैं आप ये पत्नीटॉप की तस्वीरें, ये कितने टूरिस्ट आ रहे हैं नीचे से घूमने के लिए, कुछ घूम के वापस भी जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप भाई बर्फ़ का इंजॉय कर रहे हैं, सब लोग बर्फ़ का इंजॉय कर रहे हैं। ये देख सकते हैं कितनी बर्फ़ गिरी हुई है यहाँ पे, गाड़ी की लाइन लगी हुई है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं बाहर की तस्वीरें, क्योंकि बारिश कंटिन्यू गिरी रही है, तो ठंड ना मुझे ना ठंड बहुत ज़्यादा लग गई है। अभी मैं अपनी गाड़ी में ही बैठा हूँ, तो पाँव इतने ठंडे हो गए हैं कि हिल नहीं रहे हैं, बिल्कुल हिल नहीं रहे हैं, जैसे मान लो सेट हो गए हैं। तो अभी तो वो लोग आए नहीं हैं, आएंगे तो फिर निकलेंगे यहाँ से, क्या पता कितना क्या टाइम लगाएंगे। तो ना तो उन्होंने शूज़ पहने, ना कोट पहने, कुछ नहीं पहना है, सब भीग गया होगा, उनको मैंने बताया भी था। अब आके पूछेंगे उनसे क्या हाल रहा आपका, क्योंकि ड्राइवर की बात कोई सुनता नहीं है, उनको बुरा लगता है ड्राइवर की बात सुन के। मैंने उनको पहले ही बताया था मैं शूज़ कोट ले लो, क्योंकि स्नोफॉल में लगता है यहाँ पे, एक तो शूज़ बच जाएंगे, दूसरा अपना जो ड्रेस पहना होता है तो वो बच जाता है। तो उन्होंने यहाँ की बात ही नहीं सुनी, उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। देखते हैं क्या रहेगा उनके साथ, क्या बीतेगा, तो पूछेंगे उनसे आके। अभी टूरिस्ट घूम रहे हैं यहाँ पे, बारिश भी बहुत ज़्यादा लगी है,
छोटी छोटी बर्फ़ भी गिर रही है। तो बाकी मिलते हैं आगे, दिखाएंगे आपको जब आएंगे, उनसे भी मिलाएंगे आपको क्या हाल हुआ उनका।